पिंडा तो आए हुए नौजवान वीर मावा भैन छोटे बच्चे सब तो पहला थोड़ा चलिया हुआ एक कदम पंजाब दोबारा पंजाब देखना चाहते पंजाब दोबारा गिद्धे भंगड़े की धरती पंजाब दोबारा खुशियां की धरती देखने का जज्बा लेके आप हमारे इतने आए हो तुम सब तो पहले मेरी फतेह प्रवान करो वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी फतेह सारे मेरी सत श्रीकाल नमस्कार जो मैं कोई भाषण झाड़ नहीं आया मैं कोई सियाणपा वंडन जोगा नहीं है मेरे तो सियाने बैठे हो तुम सभा के बच्चे मैं थोड़े नाल कुछ गल आया तो गल् भी कोई ओपरिया नहीं गल् भी कोई बतानिया नहीं गल् भी उ जड़िया हर रोज़ चुले मूहे बह के करते हो जो हर रोज़ चाह वाली रेहड़ी से खड़ के करते हो जो हर रोज़ दुकान पर बह के करते हो कि मेरे परिवार का की बनेगा मेरे पंजाब का की बनेगा हर बंदे को यह फिक्र है लीडर फिक्र नहीं है लोगों को फिक्र है फिर कितों शुरू करिए हर राज दुखती है मुलाजमान तो शुरू कर लो दुखी ने तनखा नहीं मिली कहते कई कई महीने लग जाते तनखा नहीं मिली व्यापारियों की गल कर लिए उचड़ गया सारा व्यापार छोटा व्यापारी मर गया मंडी कविंद करना थोड़े को गुरुआ ने बसाई थी लोहे की नगरी तुम ओवरब्रिज बन गया होना तुम ओवरब्रिज के उत्तों की लंघे हो पुल के उत्तों की आले दुआले निगाह मारे दोनों पासे मंडी कविंद कर ऐ लगता है जिन्हें चार पाँच सौ साल पहले कोई शहर उजड़ा हुआ हो चिमनिया के घा उपी घा चिमनिया जड़िया चिमनिया चो पहले धुआं लगता सी धुआं निकलता सी वो चिमनिया खत्म कलिए चिमनिया खत्म नहीं हुई हजार हजार हाथ बेरोजगार हो गए जोड़े मुंडे काम करते वो किधर जाएंगे फिर वो इतने कर लुधियाने वाली हाउजरी इंडस्ट्री सब खत्म साइकिलिंग वाली इंडस्ट्री सब खत्म छोटा व्यापारी ला के टैक्स बैट ला ला के प्रॉपर्टी टैक्स ला ला के अब दे घर बैठे किराएदार बनाते प्रॉपर्टी टैक्स लाता रजिस्ट्री थोड़े ना है पर किराएदार हाँ किराया जो भी कहते अगले घर आता भी प्रॉपर्टी टैक्स ला कोई फिक्र नहीं पैसा जाता कितने है कोई हिसाब नहीं रहता तो भीर अज पंजाब जोड़ा है वो बहुत बड़े बरूद के ढेर से बैठा है बेरोजगारी का बरूद फटी जाता रोज हर रोज भी देखते हो गए अखबार खबर पढ़ लो चाहे कल पढ़ लो नौजवान मुंडे कुड़िया डिग्रिया लैके घर मुड़े ने नौकरी में मिल जाने डांगा पेंदिया ने हर रोज पग्गा लेंदिया ने चुनिया लेंदिया ने ये पंजाब का खाता जड़िया डिग्रिया सानू सारी जिंदगी रोटी देने का वादा कर दिया सी वो डिग्रिया एक डंग की रोटी का बालण भी नहीं बन सकती कागज बन के सारे जिन्होंने मर्जी दिखाऊंगे डिग्री कहना ठीक है डिग्री का तू पैसे दे लेंगे तू सिफारिश लिया सकती मालूम तू मेरा काम नहीं होना मिलते हैं बेरोजगार करो रोटी करिए फिर अद्धे तरह से करते नौजवान मुंडे निराश होकर नशे नुशे वालों चल पे है अद बचते पासपोर्ट बना लेंगे है माँ दिया वाड़ियाँ बेच देंगे प्यो की जमीन कहते हैं दुकान बेच देंगे बारहवें मुल्क के बच्चे को खड़े है पच्ची पच्ची तीस लाख चक्की जनता को फिरते हैं सानू इस मुल्क चो बाहर कर दो सानू इस मुल्क चो कि नक चो कर दो गुरुआ पीर शहीदा की धरती आलीगढ़ ने नक बना के नक बना के सुनो किन्ना चिर देखी जाएंगे तमाशा उठो कुछ नवा करो और कोई ज्यादा है नहीं हूँ देख ले सारे सारे परख ले इन्हें कोई कोई एजेंडा नहीं कोई फिक्र नहीं जानता था जो मैं पार्लीमेंट के किसान ने खुदकुशियां का मसला उठाना कि साडा पंजाब का किसान आत्महत्या करी जाता जी जेड़े रस्से मर्दा के घर चलिया पाने वास्ते बने से और रस्से जमींदार के घर का फाफा बन गए
उड़ीसा के अंदर ही आ जाते हैं, उस तो बाद मेरे को केरला वाले आ जाते हैं, मानसा आज जो आप पंजाब के किसानों की आत्महत्याओं का मुद्दा उठा रहे थे, क्या ये बात सच है? क्या हमारे साथ है? हमें पंजाब का किसान मारते हैं हर रोज जाते हैं फोटो तो भारतीय होते, हम तो यकीन ही नहीं कर सकते इस बात पर कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है। हमें तो ये लगता था कि पंजाब बहुत हरा भरा है, पंजाब का किसान तो भंगड़े में नाचने के लिए मशहूर है, पंजाब का किसान तो बहुत खुश है, पंजाब का किसान तो बहुत खुशहाल है। मैं क्या जी की दसा, पीटीसी चैनल की मशहूरी है जी खुशहाल है, बाकी सारिया फादा कढ़ा के देख लो सारिया लगी गई लाल है, इसका लिमता बनाई बैठे लिमता बना दी करके लै लें, किसी को पता नहीं लगे कहते साढ़े पैसे कर जाए, हूँ तक कोई ना रिश्ता कर वे भी पटवारी को पैसे दे के फर्क देख रहे हैं भाई लाल की रद भाड़े कि नहीं है कि 80 किले कहते नहीं है ना आई की करिए भा नहीं मिलते फसलों के, जो किसान की फसल मरती है जो किसान दुखता कला किसान नहीं दुखता ना, खेत मजदूर भी जाता है वह ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ
साढ़े तो यकीन रखियो ये इन्हों की हलाहट है इन्हों का डर है तो देखा पार्लीमेंट मैं एक वीडियो बना दी कि भाई थोड़ू दस दी है जिन्होंने चार चार घंटे लेने खड़ के वोटा पाई है कि थोड़े मसले कि उठते हैं दरा निकलते हैं दस की हालत कहते लोगों ने बड़ी दस गल है सारे ही रल गए जी चलो मैडम स्पीकर ने कहा चलो मैं खेलना माफी कर देना मैंने करता है ना जी ना बीजेपी उठ खड़ी कांग्रेस पब्लिक सारे इकट्ठे